साथियों नमस्कार। FLN मेले के आयोजन के संबंध में आज हमें चर्चा करनी है, किस प्रकार से मेला लगाना है और अभिभावकों के समूह निर्माण उपरांत जानकारी भरने हेतु हमें कौन सी लिंक मिली हुई है, उस लिंक के माध्यम से हमें किस प्रकार से अभिभावक निर्माण समूह की जानकारी भरनी है। तो यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा वीडियो बिना स्किप करे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो देखिए हम आपके साथ अभिभावक और समूह निर्माण और FLN मेला की जानकारी के लिए एक वेब लिंक भेज रहे हैं। यह मैसेज हमें मिला है, इस लिंक पर हमें क्लिक करना है और क्लिक करके हमें जानकारी भरनी है। और FLN मेला की जानकारी के लिए एक वेब लिंक है, जो उस लिंक पर क्लिक करते ही आपको दो टैब दिखाई देंगे। पहला टैब अभिभावक समूह निर्माण की जानकारी के लिए है और जो हमें भरना है अभी, और दूसरा टैब होगा FLN मेला की जानकारी के लिए जो हमें मेले के बाद भरना है। अभिभावक समूह निर्माण की जानकारी वेब लिंक मिलते ही भरी जाएगी और FLN मेला की जानकारी मेला के आयोजन के तुरंत बाद उसी दिन यानी 9 तारीख को भरी जाएगी। ध्यान रखें, इस वेब लिंक पर अभिभावक समूह निर्माण और FLN मेले की जानकारी एक साल से केवल एक ही बार भरी जाएगी, दोबारा एंट्री मान्य नहीं होगी। यह देखकर ध्यान से ही आपको भरना है। यह लिंक है, इस पर जैसे ही हमने क्लिक किया और हमें इस प्रकार से URL प्राप्त हुआ है, यानी कि किस प्रकार से हमारी स्क्रीन पर यह मैसेज आया है अभिभावक समूह निर्माण जानकारी, इस पर पहले से हमें क्लिक किया हुआ मिलेगा। उस पर हमें जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, जनशिक्षा केंद्र का नाम, विद्यालय का नाम और मोहल्लों की संख्या, हमारे गांव में कितने मोहल्ले हैं उनकी संख्या, माताओं के समूह की कुल संख्या, कितने समूह बनाए हैं माताओं की कुल संख्या, कितनी माताएं हैं, एंकर लीडर माताओं की संख्या, कितनी एंकर बनाई कितनी लीडर, और उनके पास स्मार्टफोन धारक माताओं की संख्या, कीपोर्ड फोन धारक माताओं की संख्या और कुल बच्चों की संख्या इसमें भरनी है। फिर उसके बाद कक्षा एक के बच्चे और कक्षा दो से हमने कितने कितने लिए हैं। इतना सब करने के बाद सेव एंट्री पर हमें क्लिक करना है ताकि हमारा डाटा अच्छी तरह संधारित हो जाए, सेव हो जाए और डाटा हमारा सर्वर में पहुंच जाए। उसके बाद हम जैसे ऊपर आएंगे तो यह जो लिखा हुआ है लिंक जो ऊपर है उस पर हमें मेले के आयोजन के बाद जानकारी भरनी है। फिर बात कर रहे हैं हम कक्षा एक एवं दो के बच्चों के अभिभावक से ही समूह बनाना है हमें, यह ध्यान रखना है, तथा एक पंजी भी संधारित करनी है। एक यह मेला प्रति 3 माह में आयोजन करना है, यह भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक 3 माह में आयोजन करना है। समस्त प्राथमिक शालाएं अपना ऑनलाइन पंजीयन करना सुनिश्चित करते हुए FLN मेला शाला स्तर पर 9 फरवरी को हमें आयोजित करना है। आपको लिंक हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगी जैसे ही, तो आप अपना कार्य कर सकते हैं। और यह जो हमारा फॉर्मेट है अभिभावक समूह निर्माण प्रपत्र 2023-24, इसको किस प्रकार से भरना है आइए जानते हैं किस प्रकार से हमें भरना है। सबसे पहले हमें क्रमांक, माता का नाम, पिता का नाम, माता की अधिकतम शिक्षा, उसके बाद माता की अधिकतम शिक्षा के बाद माता का प्रकार, एंकर माता, लीडर माता या सदस्य, ठीक है। उसके बाद हमें मोबाइल नंबर, माता का मोबाइल नंबर भरना है, मोबाइल नंबर, फ़ोन का प्रकार स्मार्टफोन है कि कीपैड फ़ोन है या लागू नहीं है। उसके बाद बच्चों की संख्या, कक्षा एक के बच्चे, कक्षा दो के बच्चे और कुल बच्चे। समूह का नाम भी हमें एक रखना है, जो भी आप उचित समझें समूह का नाम अपना रख सकते हैं, और मोहल्ले की जानकारी, और नीचे मोहल्लों की संख्या के बाद नीचे जो जानकारी दी गई है इस जानकारी को भी हमें भरना है कि कुल कितने मोहल्ले इसमें शामिल किए गए हैं, माता के समूह की कुल कितनी संख्या है, माता की कुल संख्या कितनी है समूह में, एंकर माता और लीडर माता, स्मार्टफोन धारक माता आदि, सब कीपैड फोन धारक माता की संख्या। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, समस्त जानकारी भरने के बाद हम यह प्रपत्र भी रख सकते हैं और एक रजिस्टर हम बना करके जानकारी को संधारित कर सकते हैं। तो साथियों यह रही FLN मेला के संबंध में जानकारी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी।